तो पावर पिवट टेबल समझिए क्या होता है। पावर पिवट टेबल होता है जब हमें कई सीट का डेटा को मिला के एक पिवट टेबल तैयार करना होता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट वाइज अगर सेल्स निकालना है तो प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या एमआरपी है और क्या नेम है। या कस्टमर वाइज चाहिए आपको तो कस्टमर सिटी वाइज किस सिटी में प्रोडक्ट हुआ है तो आपको आईडी नंबर 5 से कस्टमर डेटा के अंदर में उसका सिटी ढूंढना होगा, फिर उसे रिपोर्ट बनेगा। पर प्रॉब्लम है कि कैसे, तो दो तरीके हैं। अगर पावर पिवट टेबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला लगाना होगा। वी लुकअप फॉर्मूला इस क्वांटिटी को, सॉरी सीआईडी के बिहाफ पे कस्टमर के अंदर ढूंढ के बताएगा कि उसका सिटी क्या है। फिर इसको नीचे तक हम ड्रैग करेंगे, देन बनाएंगे वी लुकअप। मैं आगे इस फॉर्मूले इस आगे क्लास में फॉर्मूला बताऊंगा, फिलहाल इसको इतना ही समझिए। लेकिन मैं ये चीज नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो वी लुकअप यहाँ लगा है वो डेटा के पीछे ही लग जाए, पिवट के पीछे ही लग जाए। तो इसके लिए हम रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम पहले पिवट को सिलेक्ट डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं और पिवट टेबल लगाएंगे। पिवट टेबल लगाते समय सबसे लास्ट में यहां दिखेगा एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, एड दिस डेटा टू डेटा डेटा मॉडल मॉडल। एंड ओके करें। थोड़ा टाइम लेगा। फिर हमारा दूसरा जो कस्टमर है, कस्टमर को सिलेक्ट किया और यहां हम इसको भी इंसर्ट में पिवट टेबल लगाएंगे और एड डेटा टू डेटा मॉडल करेंगे। अब आगे अब देखिए यहाँ पे एक्टिव ऑल दिख रहा है। ऑल पे जाइए तो दो अलग अलग पिवट दिख रहे हैं, रेंज वन रेंज टू। तो पहला जो लगाया था वो सेल्स और रेंज हो गया, और दूसरा जो कस्टमर पे लगाया वो हो गया हमारा रेंज वन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब कि रेंज वन रेंज टू कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में कॉमन क्या है, ताकि वो लिंक करेगा। जैसे वी लुकअप में हमने सीआईडी लिंक किया था ना, तो यहाँ आपको रिलेशनशिप, तो यहाँ देखो रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप तुम ऐड डेटा मॉडल में दो शीट ऐड करोगे, रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा। अब रिलेशनशिप पे क्लिक कीजिए और यहाँ न्यू पे जाइए और यहाँ रेंज और यहाँ पे सीआईडी और यहाँ पे रेंज वन और सीआईडी दोनों को चूज करके ओके कर दीजिए एंड यहाँ पे क्लोज कर। मैं दोबारा बताता हूँ, रिलेशनशिप पे जाना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे रेंज का सीआईडी और रेंज वन का सीआईडी। तो सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि दोनों बोथ आर इक्वल, देन ओके करो, देन क्लोज करो। ऐसा करने के बाद अब जो है तुम उठा सकते हो, जैसे कि मैं रेंज से सिटी उठा लिया और रेंज रेंज वन सिटी और रेंज से क्वांटिटी, और हमारा रिपोर्ट बन गया सिटी वाइज क्वांटिटी वाइज, ठीक है। ऐसे समझ में है कि नहीं, दोबारा बताऊं। जी सर, आ गया। देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है, दो दिक्कत है। पहली कि मेरे पास देखिए दो सीट पे किया, दो अलग अलग सीट पे हमें इंसर्ट करना पड़ा पिवट, पहली। दूसरी कैलकुलेशन वगैरह कैसे करें, कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो जब आपके पास एक दो सीट नहीं ज्यादा सीट्स हो और कैलकुलेशन वगैरह हो, वहां पे हम पावर पिवट इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ ऊपर दिख रहा है। पर प्रॉब्लम है कि पावर पिवट डिफॉल्ट नहीं होता है, सिस्टम में लाना होता है। कैसे लाएंगे, तो फाइल के अंदर जाइए, ऑप्शन ऑप्शन में आता है एडिंग्स, और एडिंग्स में यहाँ एक्सेल एडिंग्स की जगह पे कॉम एडिंग्स को क्लिक करें एंड गो पे क्लिक करें। तो ये आपको यहाँ देखिए खुल के आ गए, और यहाँ पे पावर पिवट जो है उस पर क्लिक करके ओके करें, फिर आपका ये पावर पिवट का नया टैब खुल के आ जाएगा। अब इसी में देखिए ऐड डेटा टू डेटा मॉडल भी दिख रहा है आपको, ऐड टू डेटा मॉडल जो क्लिक करते थे यहाँ पे है। मैनेज पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल जैसा अलग शीट खोल के देगा। इसमें कोई पहले से डेटा है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं या रख ही सकते हैं, देख लीजिए हमने यहाँ रिमूव कर लिया। ऐसा खुल के आया विंडो। अब हमें क्या करना है कि एक एक करके सारे डेटा को ऐड करना है डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल में ऐड करेंगे तो ये आपका जो अभी खुला हुआ है पावर पिवट का विंडो उसमें आ जाएगा। टेबल वन,
इसको रिनेम कर सकते हैं, सीट को रिनेम करते हैं, इसको भी रिनेम कर सकते हैं सेल्स। उसके बाद प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट किया हमने, डेवलपर सॉरी माफ कीजिएगा पावर पिवट टेबल और एड डेटा टू डेटा मॉडल। ओके यहाँ पे देखा टेबल टू आ गया, तो ये हमारा आ जाता है, पीआर कर देता हूँ प्रोडक्ट। फिर वापस तीसरे पे गए, इसको सिलेक्ट किया पावर पिवट टेबल एड डेटा टू डेटा मॉडल एंड ओके। और टेबल थ्री में हम यहाँ पे कस्टमर कर, तो तीनों सीट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब तीनों के बीच में हमें रिलेशन करना है, तीनों के बीच में रिलेशन करना है। तो यहाँ डायग्राम व्यू दिख रहा होगा, डायग्राम उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायग्राम व्यू हो जाएगा। तो मेन जो है उसको लीजिए और उस पर बाकियों को लिंक कीजिए, सी आई डी को क्लिक करते हुए यहाँ के सी आई डी पे छोड़ दीजिए और पीआईडी को क्लिक करते हुए यहाँ की पीआईडी पे छोड़ दीजिए। लिंक हो गया, अब डेटा पे आते हैं। तो जो हमने वी लुकअप वगैरह उधर लगाया था, अब यहीं पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एमआरपी चाहिए ताकि हम मल्टीप्लाई कर सके। तो यहाँ हम लिखते हैं एमआरपी, नया ऐड कर दिए फील्ड, तो एक नया ऐड हो जाएगा फील्ड। मेन डेटा में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, हम पिवट के बैकग्राउंड में से जो करना कर रहे हैं। और यहाँ पे MRP लाने के लिए रिलेटेड नाम का फॉर्मूला होता है, रिलेटेड लगाए और यहाँ पे आप जो है MRP को सिलेक्ट कर, प्रोडक्ट का MRP एंटर मारे, ड्रैग व्रैग करने की जरूरत है, एंटर मारे सारा MRP आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट चाहिए और यहाँ पे अमाउंट हमने लिखा, एंटर मारा और यहाँ हम रिलेटेड का फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें अमाउंट रिलेटेड हम आप रिलेटेड नहीं होगा, इसमें तो क्वांटिटी होगा ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय MRP। ठीक है, एंटर मारिए, कैलकुलेशन हो गया। उसके अलावा आप मान लीजिए कुछ और निकालना, GST निकालना है तो GST निकाल सकते हैं 18%। यहाँ पे GST, यहाँ पे अमाउंट इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई का साइन तो लगाओ। देखिए यहाँ पे एरर आया, एरर क्यों आया, क्योंकि डेसिमल प्लेस है, इसमें परसेंटेज नहीं लेगा, इसको डेसिमल लिखना पड़ेगा 1.18। ठीक है, इस तरह के और भी फॉर्मूले वगैरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल फॉर्मूले हमें नहीं आता है तो चलें इसको स्किप करते हैं। उसके बाद सर बोलिए सर, ये 0.18 ये परसेंटेज निकाल के रखा है आप, 18% जो होता है वो 0.18 होगा ना, 100 डिवाइड बाय 18। हां मैं सर, मुझे पता है, मैं वही कह रहा हूँ, आपने परसेंटेज निकाल के रखा है। हां क्यों सर, 18 नहीं, मुझे जीएसटी निकालना है 18% किसका, अमाउंट का। तो यहाँ में मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे ना, डिवाइड बाय 100, वही तो ये बोल 18 का परसेंटेज निकाल डिवाइड करके, समझे कि नहीं। पर वो तो मुझे पता है क्यों किया, जीएसटी निकालने के लिए सर, वो परसेंटेज का साइन नहीं आएगा। ओहो सुनिए, यहाँ देखिए एक्सेल में क्या होता है कि आप अगर से मान लीजिए कि 100 का मुझे 15% निकालना है ना, तो 100 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 15% इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाय 0.15, समझे। तो यहां ध्यान रखिएगा कि 15% इक्वल टू 0.15, समझे। तो परसेंट का सिंबल लगता है ना, परसेंट का सिंबल लग गया तो बैकग्राउंड में 15 डिवाइड बाय 100 हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली 0.15 होगा ना सर। तो आपको कहीं बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि ये नहीं लेता है,
आपका परसेंटेज का सैंपल नहीं लेता, जैसे पावर पिवट आपका परसेंटेज का सैंपल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि एक्सेल पे अगर निकालना होता तो क्या करते यहाँ पे, अगर मान लीजिए मुझे निकालना पड़ेगा 5000 का परसेंटेज, इसमें 18% लिख देंगे ना सर, आ जाएगा 900। जी जी देखिए 18% जो है 18% इस तरह से एक्सेल में नहीं ले रहा, इसमें पावर पिवट में नहीं ले रहा है, इसलिए हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.15, समझे आ गया? जी 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 सर जी, 15 18 है ना, 18, क्योंकि 18% लिखिए या फिर 0.18 लिखिए बराबर होता है, तो क्योंकि परसेंट का सिंबल हटा के तो इसको जनरल करेंगे ना, तो 0.18 ही होता है, समझे कि नहीं? अब हाँ सर, आपने इन जनरल लिखा है उस... हाँ तो यहाँ पावर पिवट जो है जनरल में ही लेता है, परसेंट में नहीं लेता है, क्लियर है? ठीक है सर, ठीक। अब यहां मैं पावर पिवट पे क्लिक करके जैसे ही ओके करूंगा एक न्यू शीट पे आ जाएगा। अब यहां देखिए तीनों शीट यहां पे आपको दिख गया। अब मुझे यहां पे नेम सिटी वाइज, यहां पे प्रोडक्ट वाइज, और यहां मुझे टोटल अमाउंट का टोटल आ गया। तीन पिवट से, तीन डेटा से हम यहां पे पिवट कंबाइन पिवट लगा रहे हैं। साथ में अगर स्लाइसर वगैरह लगाना हो तो आसानी से यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट किया जा सकता है कि मुझे नेम वाइज स्लाइसर इंसर्ट करना है कि इंदर कितना है, देखिए ठीक है, समझ गया सर? जी सर। तो पावर पिवट इस चीज के लिए यूज होता है, इसको और डिटेल में बताएंगे जब हम बताएंगे आपको पावर क्यूरी। तो फिलहाल पावर पिवट में आप इतना ही सीखे, यहाँ पे हमने पिवट टेबल की कल जो है चीजें सीख ली। अब एक दो क्लास हमारी मिसलेनियस चीजों पे होगी, उसके बाद हम फॉर्मूले पे रिमूव करेंगे, मतलब नेक्स्ट मंडे से हम फॉर्मूला शुरू कर रहे हैं।